एक्सेल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं संजीव कुमार और एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आ गया हूं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का जो मेरा खास टॉपिक है डाटा टैब के अंदर, यहां पर देखिए जो डाटा टैब है उसके अंदर जो आने वाले ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे फोरकास्ट और यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सीनेरियो मैनेजर, गोल सेट और डाटा टेबल, ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर बना करके रखा हूँ डाटा। जैसे इस डाटा को मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इसको फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, जैसे बोल्ड में कर लेता हूँ इसको थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का डाटा अगर आपके पास रहेगा तो इसको यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है जी, सीनेरियो मैनेजर। सीनेरियो मैनेजर के द्वारा आप कोई भी डाटा को मंथली रिकॉर्ड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स हर मंथ का डाटा बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं इस टाइप के डाटा बना रखा हूँ, यहाँ पर कुछ आइटम्स नेम्स हैं, यहाँ पर मैं परचेज करके लाया हूँ से है, कितना मैं सेल किया हूँ से डाटा है, और प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर विक्रय मूल्य मीन्स यहाँ पर सेल का सेल रेफरेंस देंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद बाय का सेल रेफरेंस देंगे और उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आ गया। अगर लॉस रहेगा तो हम माइनस में दिखा रहा है। तो ये तो हो गया मैनुअली आप लोग निकालना। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट इफ एनालिसिस के द्वारा कैसा निकालेंगे इसे समझना है, तो आपको कुछ नहीं, ये दो कॉलम को सिलेक्शन करना है, मीन्स इतना रो को सिलेक्शन करना है, बाय वाले और सेल वाले जो आपका कॉलम है, जो सेल है उसको इस तरह से सिलेक्शन करिएगा। और यहाँ पर चलना कहाँ है जी, तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर यहाँ पर सीनियरियो मैनेजर है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो एक ऑप्शन यहाँ पर देगा ऐड का, ठीक है, ऐड करता कैसे समझना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो एक ऑप्शन पूछेगा जिसका नाम है सीनियरियो मैनेजर, मीन्स यहाँ से आप मंथली डाटा बना सकते हैं। जैसे मैं जनवरी का भी रिकॉर्ड उसके अंदर पुट करना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ, तो चलिए मैं जनवरी लिख दिया। जनवरी पर जैसे लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद ओके का सिंबल हाईलाइट करने लगेगा। आप यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप एच थ्री में क्या डालना चाहते हैं, कौन सा डाटा पेस्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो एच थ्री आखिर है क्या, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एच यहाँ पर किसका कॉलम है जी, तो बाय का कॉलम है। और थ्री क्या है जी, तो आप देख सकते हैं इधर से कि थ्री आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्री यहाँ पर देखिए यहाँ पर एच और थ्री, एच थ्री जो सेल है ये आपका माउस को कितना में खरीदे हैं से बता रहा है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं माउस खरीदा हूँ 230 में। अब यहाँ पर आई थ्री जो है वो तो सेल कितना में किए हैं, जैसे आई देखिए कॉलम किसका है तो सेल का कॉलम है, और यहाँ पर देखिए थ्री क्या है तो इसका रो की संख्या है। आप इसको कितना में सेल किए हैं यहाँ पर बताता है, जैसे मैं इसको सेल कर देता हूँ 250। अब नेक्स्ट एच फोर क्या है जी, तो एच फोर जो है आपका ये बता रहा है कीबोर्ड का, मीन्स कीबोर्ड को कितना में आप बाय किए हैं, तो कीबोर्ड का यहाँ पर डाटा डाल दीजिए। जैसे मैं इसको 500 में परचेज किया हूँ, और मैं इसको बेच कितना में रहा हूँ, सेल कितना में कर रहा हूँ, जस्ट नीचे उसका ऑप्शन देता है आई फोर, यहाँ पर देख सकते हैं आई फोर, फोर में किसका रो है जी, तो कीबोर्ड का रो है ये, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कितना में बेचे हैं से दिखा दीजिए। नेक्स्ट इसको नीचे की ओर ले चलेंगे तो ये मोनिटर का दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि एच यहाँ पर देखिए क्या किसका आ गया मोनिटर का, और यहाँ पर फाइव एच फाइव, तो एच फाइव मिस होता है क्या मोनिटर का ये रो है, तो मोनिटर को कितना में बाय किए हैं उसका सेल उसका अमाउंट डालना है इस तरह से, मैं 2400 में। अब इसको कितना में बेच रहे हैं, इसको मैं 2500 में बेच रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो एक मंथ का डाटा यहाँ पर बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं जनवरी का डाटा तैयार हो गया। अब यहीं पर अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप यहां पर शो जैसी करेंगे तो आपका डाटा यहां पर शो करने लगेगा। आप देख सकते हैं कि कितना में बेचा गया, कितना में सेल किया गया है, यह पर सारा रिकॉर्ड यहां पर पुट हो गया, देखिए यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर दूसरे मंथ के रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, आप व्हाट इफ एनालिसिस में चलेंगे, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद आपको यहां पर जाना होगा सीनेरियो मैनेजर। अगर नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड टाइप करना चाहते हो तो ऐड पर चलेंगे और यहां से फरवरी लिखेंगे, ठीक है, और यहां से ओके जैसे प्रेस करेंगे तो यहां पर फिर से नेक्स्ट मंथ का रिकॉर्ड टाइप करने के लिए दे देगा, ठीक है। जैसे पिछले मंथ में आप क्या किए हैं जी, एच थ्री मीन्स आप बाय किए हैं माउस को 200, ठीक है, 30 में। इस मंथ में कितना में आप फरवरी मंथ में कितना में बाय करके लाए हैं, तो जैसे इस मंथ में मैं 250 में खरीद के लाया हूँ, बेचा कितना हूँ जी,
ठीक है, तो 210 में मैं बेच दिया हूँ। इस तरह से सारे को डाटा को रिकॉर्ड करते हुए चलिए, जैसे मैं 500 में किया हूँ और इसको मैं 490 में बेच दिया हूँ। आप इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की ओर चलिए, मॉनिटर का डाटा टाइप करिए, जैसे मैं 5000 में इस बार खरीदा हूँ, ठीक है, और इसको मैं 5020 कर लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और ओके करेंगे। ये देखिए आपके पास 2 मंथ का डाटा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है, जिसका डाटा आप शो करना चाहते हैं आप उसका डाटा शो कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर डाटा शो कराना चाहता हूँ, यहाँ पर फरवरी का, तो जैसे फरवरी पर क्लिक करेंगे तो ये फरवरी का डाटा आ रहा है, मीन्स माइनस में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। जो प्लस का डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आपको प्रॉफिट का दिखाता है। मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डाटा को देखना चाहते हैं बस शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाटा दिखाने लगेगा। इसको क्लोज भी कर देते हैं अगर सपोज डैट, तो ये आपका डाटा ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, बस आपका फाइल सेव होना चाहिए। अगर आप फिर से इसको देखना चाहते हैं तो बस इसी पे क्लिक करेंगे, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जैसे ही आप ओके करेंगे, ठीक है, यहाँ से जिस मंथ का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, या फिर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है जनवरी का डाटा को रिकॉर्ड का एडिट करना चाहते हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन फिर से दे देगा। जैसे मैं पिछले मंथ में 230 में यहाँ पर क्या करा था, बाय किया था, किसको, तो माउस को मैं 230 में बाय किया था, इसको मैं चेंज करके इसको 500 करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं चेंज करके, ठीक है, इसको मैं करना चाहता हूँ 600। अब जैसे ओके करेंगे, ठीक है, और शो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जनवरी का डाटा यहाँ पर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर बाय का यहाँ पर बता रहा है कि 500 और सेल बता रहा है कि 600, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 100 का। तो इस तरह से आप डाटा को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर इसको डाटा को डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं यहाँ पर बताया वो समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आता है, यहाँ पर क्या से समझना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गोल सेक। अब गोल सेक क्या होता है इसे समझना है। जैसे सपोज डेट आपको लगता है कि इस कीबोर्ड वाला जो सेल किया गया 520 में सेल किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट कितना का हुआ जी, 20 का, लेकिन आप चाहते हैं कि इस वाला अमाउंट, ये जो कीबोर्ड वाले जो आपका आइटम नेम कीबोर्ड जो है उस पर आप कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट चाहते हैं। जैसे आप, मैं इसमें चाहता हूँ कि 50 रुपया का प्रॉफिट चाहता हूँ, बट यहाँ पर 20 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ, तो कैसे होगा जी, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ गोल सेक पर चलिए, ठीक है। गोल सेक पर जाने के बाद आप यहाँ पर लिखा हुआ है टू वैल्यू, मीन्स आप इसके स्थान पर जो सेल को सिलेक्शन कर रखे हैं उसको कितना में रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन कर रखे हैं सेल, वो यहाँ पर सेट सेल में शो कर रहा है, मीन्स J4। अब टू वैल्यू में क्या है कि जो सिलेक्शन कर रखे हैं सेल उसमें आप चाहते कितना है, कितना वैल्यू चाहते हैं। तो जैसे मैं 50 चाहता हूँ तो मैं उसमें 50 पुट कर लिया। अब यहाँ बोल रहा है कि बाई चेंजिंग सेल, बाई चेंजिंग सेल का मतलब क्या होता है कि आपको किसी न किसी सेल में चेंजिंग करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर 50 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं खरीदा हूँ कितना में, तो 500 में खरीदा हूँ, तो आपको बेचना पड़ेगा कुछ ज़्यादा में। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेल वाला जो सेल है उसको ऐसे सिलेक्शन करना होगा। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर एक आपका इंडिकेट देगा कि आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर चेंज हो गया, मीन्स आपको 500 में खरीदना था तो आप तो खरीद लिए, बट आपको बेचना पड़ेगा कितना में जी, सेल कितना में करना पड़ेगा, तो 550 में सेल करना पड़ेगा, जिससे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप गोल सेक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते कि नहीं मेरे को यहाँ पर 200 क्या करना है, प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना हो, यहाँ पर चेंजिंग करना, उस सेल को आपको सिलेक्शन करना कंपलसरी होता है। उसके बाद गोल सेक पे जाना है, टू वैल्यू आप जो सिलेक्शन कर रखे हैं सेल उसमें कितना चाहते हैं, तो 200 में चाहता हूँ। अब यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल आपको किस में चेंजिंग करना है, तो आप तो भाई खरीद के लाए हैं, ठीक है, वो तो चेंज हो नहीं पाएगा, तो आप इसको ज्यादा में करके बेचेंगे तब तो 200 का आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको बाई चेंजिंग सेल पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सेल वाला को सेल रेफरेंस ले लेना होगा, और ओके जैसे करेंगे फिर से एक बार और ओके, कैंसिल कर देते हैं तो आपका नहीं होगा, ओके करने से आपका क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ 200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, डाटा टेबल। अब डाटा टेबल क्या होता है इसे समझना है। जैसे सपोज डेट आप कोई बहुत ज़्यादा अगर टेबल लिखना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास एक ही बार में बहुत सारा टेबल का मांग आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर मैं 4 का टेबल लिखना चाहता हूँ, 6 का टेबल लिखना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 9 का टेबल लिखना चाहता हूँ। अब इसको एक बार में कैसे इसका टेबल लिखेंगे, मीन्स
वन से लेकर के टेन तक कैसे टेबल लिखेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी, एक फार्मूला टाइप करना होगा, बहुत आसान फार्मूला है, इक्वल टू प्रेस करना होगा, उसके बाद आप उसका लेफ्ट का, जहाँ इक्वल प्रेस किया है उसका लेफ्ट का सेल रेफरेंस लेना होगा, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई का सिंबल देना है, जो स्टार का सिंबल होता है मल्टीप्लाई लेता है। अब उसके बाद आपको जस्ट जो आप लिए हैं लेफ्ट का उसके ऊपर वाले सेल को ले लेना है इस तरह से, और ओके प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से टू से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जीरो वन का डिफाइन करता है। अब यहाँ से टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और यहाँ पर टेन ले लेंगे, ठीक है। अब जितना डाटा आप यहाँ पर बना रखे हैं उसी को सिलेक्शन करें, पर ध्यान में रहे कि आप जो जीरो लिए हैं, शून्य जो लिए हैं, उसी पर से क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन करना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर शून्य पर से सिलेक्शन ना करते हैं तो फार्मूला बार में ये फार्मूला शो नहीं करेगा, क्योंकि आपको इस फार्मूला का यूज है। अगर आप सपोज डेट यहाँ से ऐसा सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर फार्मूला बार में ये फार्मूला नहीं शो करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जीरो पर से सिलेक्शन करके इस डाटा को ऐसा सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ से चलना व्हाट इफ एनालिसिस और डाटा टेबल पर क्लिक करना है। डाटा टेबल पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है, एक रो इनपुट सेल, एक कॉलम इनपुट सेल। तो रो इनपुट में आपको फार्मूला बार में आप देख सकते हैं यहाँ पर के थ्री लिख रहा है, मीन्स जो फर्स्ट है मल्टीप्लाई के जो पहले वाला जो सेल रेफरेंस है उसको आपको इसमें टाइप कर देना है, मीन्स के थ्री ले लेना है। और उसके बाद जो कॉलम में जो है मल्टीप्लाई के बाद जो के टू लिखा हुआ है उसको ले लेना है यहाँ पर। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका टेबल यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारा टेबल आ गया, बट ध्यान में रहे कि जितना डाटा को आप सिलेक्शन कर रख जितना डाटा में आप पुट करना चाहते हैं उतना ही को सिलेक्शन करेंगे। अगर जहाँ पर आपका डाटा टाइप नहीं रहेगा, जो टेबल आपको नहीं बनाना है, वो अगर सेल को सिलेक्शन कर लेते हैं तो देखिए इसका इधर जीरो जीरो लेकर के आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर सपोज डेट इसमें से डिलीट करना है तो जब भी डिलीट करेंगे तो पूरा डाटा को डिलीट करिएगा। अगर इसमें से कुछ भी अगर थोड़ा सा अगर डाटा डिलीट करना होगा तो नहीं डिलीट हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताया यहाँ पर वो सीख चुके होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यहाँ की क्या है, फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट सभी वर्जन का जो एम एस वर्ड हो या एम एस एक्सेल है उसमें नहीं दिया गया है। ये 2016 से अपर जो वर्जन आया है उसी के अंदर फोरकास्ट ऑप्शन ए इंक्लूड किया गया है। अब ये फोरकास्ट होता कैसे समझते हैं हम लोग, जैसे उसके लिए मैं एक डाटा बना रखा हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मैं मंथ वाइज यहाँ पर सेल का रिकॉर्ड बना करके रखा हूँ, मीन्स फर्स्ट मंथ में मैं सेल किया हूँ 120 का, सेकेंड मंथ में किया हूँ इस तरह का, थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन, मतलब सात महीना का रिकॉर्ड में यहाँ पर बना रखा हूँ, ठीक है, सिंपल रिकॉर्ड में बना रखा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि आठवां महीना, नौवां महीना और दसवां महीना इस तरह से आगे वाला जो सेल है वो कितना होगा, उसका मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, ग्राफ के रूप में देखना चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है उसमें कितना का सेल होगा। मैं यहां पर एक अनुपात वैल्यू, अनुमान वैल्यू देखना चाहता हूँ कि कितना आखिर होगा। तो आप इसको पहले सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, जैसे फोरकास्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ खुल के सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ग्राफ बता रहा है कि आप जिस तरह से सेल किए हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट महीना में 100 बता रहा है, सेकेंड महीना में बता रहा है कि 200 और 100 के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है, थर्ड मंथ फोर मंथ इस तरह से, यहाँ फिफ्थ मंथ सिक्स मंथ का भी रिकॉर्ड बता रहा है, सेवन मंथ का रिकॉर्ड बता रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि सेवन मंथ का ही डाटा आप यहाँ पर बना रखे हैं, आप देखिएगा यहाँ पर सेवन मंथ का ही डाटा बना रखे हैं, बट ये नेक्स्ट मंथ का अनुपात वैल्यू बता रहा है, देखिएगा इधर से कि नेक्स्ट मंथ का जो वैल्यू आने वाला है वो 500 से ऊपर की ओर जाने वाला है। अब कितना तक वैल्यू दिखा रहा है, तो जी यहाँ जो यहाँ पर टाइप कर रहे हैं नौ मंथ का, तो नौ मंथ का यहाँ पर देख सकते हैं कि नौवां मंथ में आपका जो सेल होगा ये 600 से अपर चला जाएगा, ये अनुमान वैल्यू बता रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस क्लिक क्लिक करके आप देख सकते हैं, देखिए 11 महीना का वैल्यू बता रहा है, मीन्स 11वां महीना में मतलब आप कितना का सेल कर पाइएगा से यहाँ पर अनुपात वैल्यू यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा हाईलाइट कर रहा है। अगर इस ग्राफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ वैल्यू भी चेंज करके दिखा रहा है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का शो कर रहा है वो आपका वैल्यू है, जो आप सेवन मंथ का जो वैल्यू यहाँ पर बना रखे हैं, देखिए
सेवन मंथ का वो आपका बता रहा है, और ये जो आने वाला जो रिकॉर्ड होगा मींस आपका आठवां महीना, नौवां महीना, दसवां महीना और ग्यारहवां महीना में जो सेल होगा वो आपका ग्राफ बता रहा है कि आपका 500 से 400 के बीच रहेगा। किसका वैल्यू जी, तो आठवां महीना का वैल्यू। और यहाँ पर बता रहा है 700 से 600 के बीच में रहेगा। किसका वैल्यू, तो आपका दसवां मंथ का और ग्यारहवां महीने का। तो ये आना वाला वैल्यू के बारे में एक ग्राफ के द्वारा बताता है, अगर कैंसिल कर देते हो तो हट जाएगा, ठीक है। यूज करके देखिएगा, बड़ा ही मस्त पर एक यूज है इसका फोरकास्ट शीट का। नेक्स्ट ग्रुप क्या होता है समझना है। जैसे सपोज डेट इसको आप प्रिंट देना चाहते हो, ठीक है, आप इसको प्रिंट देना चाहते हो बट ये पूरा डाटा को प्रिंट नहीं देना चाहते हैं, तो इसको करना कैसे है जिस समझिएगा। जैसे उसको मैं सिलेक्शन करके कट कर लेता हूँ, इसको डाटा को मैं इधर लेके आता हूँ, ठीक है। अब समझिएगा, मैं चाहता हूँ क्या कि इतना जो कॉलम जो आपका है, मैं ये आपका बाय वाला जो कॉलम है इसको मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, ना सेल वाला कॉलम को दिखाना चाहता हूँ, ये दोनों के एक ग्रुप में बांटना चाहता हूँ। मिस पी कॉलम और यहाँ क्यू कॉलम है, उसको मैं ग्रुप में करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्शन कर लेंगे, मैं पहले ये दोनों को सिलेक्शन कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ग्रुप पर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा कि आप रो को ग्रुप में करना चाहते हो या फिर कॉलम को ग्रुप में करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कॉलम पे जैसे क्लिक करके ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपका डाटा कॉलम जो आपका जो कॉलम है वो ग्रुप हो गया। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो माइनस पे क्लिक करके आप हाइड कर पाइएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो डाटा शो कर रहा है सिर्फ आपका नेम और प्रॉफिट वाला डाटा शो कर रहा है। जब अगर आप प्रिंट इसको करेंगे तो आपका दो ही डाटा प्रिंट कर पाएगा, मीन्स आपका प्रॉफिट वाला और लॉस वाला ही यहाँ पर डाटा प्रिंट हो पाएगा, बाकी डाटा को छोड़ देगा। आप पहले की तरह करना चाहते हैं तो फिर से वापस से आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉलम और एक कॉलम दोनों को सिलेक्शन करना होगा, और यहाँ पर देखिए ऑन ग्रुप का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कॉलम पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है, और ये डाटा आपका क्या हो जाएगा, पहले की तरह क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। देखिए आपका डाटा पहले की तरह शो करने लगा, ये मिनिमाइज हो रखा था, वाई कॉलम को वाइट कम हो रखा था इसलिए शो नहीं कर रहा था, ठीक है। उसी तरह से आप रो का भी कर पाओगे, जैसे कि आप माउस और कीबोर्ड का ये शो नहीं कराना चाहते हो तो आप ये दो रो को सिलेक्शन करिए और यहाँ से ग्रुप पर क्लिक करिए, और यहाँ से जैसे रो पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका ये दो जो है आपका ये माउस और कीबोर्ड एक ग्रुप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इसको पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हाइड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड हो गया। अगर वापस से लाना है तो जस्ट लाइक उसी तरह से प्लस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आ गया। अगर यहाँ माइनस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं छिप गया। अगर पहले की तरह करना चाहते हो तो बस सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से क्या करना है आपको, पहले इसको ला दीजिए, ठीक है। उसको पहले की तरह करना है तो ग्रुप पर अनग्रुप पर जाइए, रो पर क्लिक करके ओके कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए सिंबल ग्रुप का हट गया। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रुप और अनग्रुप का। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब टोटल। अब सब टोटल होता कैसे समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इस डाटा को डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर रखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, ये भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। आगे मैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का डाटा टाइप कर लेता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, डाटा मैं बना लिया। अब सब टोटल का यूज कैसे करिएगा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का जो डाटा है वो कितना में खरीदा गया था टोटल, कितना में सेल किया गया था, कितना में आपको प्रॉफिट लॉस किया गया था। तो अगर इसको आप मैनुअली निकालिएगा तो आपको कैसे करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको एक इंसर्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर पूरा को इस तरह से सिलेक्शन करके यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, फिर से वापस से बारी बारी से यहाँ पर ऐड करना होगा, फिर से वापस से बारी बारी से इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो उसके में बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है जी, आप सिंपल से इसको सिलेक्शन कर लीजिए और कहाँ चलिए जी, सब टोटल पे चलिए। अब सब टोटल पर जाने के बाद आप क्या क्या डाटा को सब टोटल करना चाहते हो, तो इसको आप वैल्यू को डाटा को इसका जो वैल्यू है उसको आप सब टोटल करना चाहते हो तो आपको बाय वाले पे क्लिक कर लेना होगा, सेल वाले पे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉफिट और लॉस वाला, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका डाटा सब टोटल होकर के आ गया, मींस कंप्यूटर का सब टोटल यहाँ पर देखिए इतना है, मींस कितना में खरीदा गया से बता रहा है, यहाँ पर कितना में बेचा गया है सब टोटल से बता रहा है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ जो यहाँ पर सब टोटल करके दिखा रहा है। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक का भी यहाँ डाटा का दिखा रहा है, कितना में परचेज किया गया था, बाय किया गया था, कितना में सेल किया गया था, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। आप यहाँ पर देखिएगा ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर बता दिया कि आखिर टोटल कितना यहाँ पर बाय किया गया था से बता रहा है, टोटल कितना सेल किया गया था, यहाँ से ग्रैंड टोटल प्लस प्रॉफिट लॉस भी यहाँ पर बता रहा है। इस सब टोटल के द्वारा आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताया यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट, ग्रुप अन ग्रुप ऑफ सब टोटल, उसके बारे में समझ चुके होंगे।
इसमें तो भी किसी प्रकार का दिक्कत आता हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं आपको कमेंट्स को क्लियर करूंगा, कमेंट्स के माध्यम से पूछने के बाद आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फटाक से एक लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी को ऑल पे क्लिक करके दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरह का मैं लेकर के आते रहूँगा।